गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज का हमारा चैप्टर रहेगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टेड और टिपिकल चैप्टर। इंटरेस्टेड है तो टिपिकल भी है, ठीक है। तो सेल डिवीजन का अपन आज क्लासिफाई करेंगे इसको। सेल डिवीजन को अपन क्लासिफाई करने के बाद एक सेकेंड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर अपन सेल डिवीजन का अपन सॉफ्ट रिव्यू करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट रिव्यू के अंदर अपन सेल डिवीजन की पूरी डिटेल एड से लेकर जेड तक पूरी डिटेल यहाँ पर करेंगे। लेकिन आज अपन इस सेल डिवीजन को पहले अपन क्लासिफाइड तो कर दे एक बार। क्लासिफाइड करने के बाद तो सेल डिवीजन और इजी हो जाता है। तो अपन सेल डिवीजन का आज ओनली क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, जिससे आपको हमें ये पता तो चले हमें क्या क्या पढ़ना है सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। तो सेल डिवीजन सेल डिवीजन एक प्रकार की डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। सेल डिवीजन पूरी तरह से जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। सेल डिवीजन पूरी तरह से क्या होती है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। ये एक प्रकार की डायनामिक प्रोसेस है। सेल डिवीजन इसको अपन एक सेल्स का ये की फ्यूचर क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एक सेल्स का मेन फ्यूचर क्या होता है, करैक्टरिस्टिक फ्यूचर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक। ग्रोथ सबसे पहले अपन जो इसके क्लासिफाई करते हैं वो ऐसे करते हैं, अपन इंटरफेज, ठीक। क्या है सबसे पहले इंटरफेज। इंटर का मतलब यहाँ पर होता है बिटवीन, यानी कि दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच की स्टेज है ये। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। तो दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच की स्टेज है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन इंटरफेज। मोस्ट ऑफ द सेल साइकिल का जो टाइम ऑक्यूपाइड होता है वो इंटरफेज के अंदर होता है, यानी कि 95% टाइम है सेल साइकिल का, 100% में से 95% है वो इंटरफेज के अंदर ऑक्यूपाइड होता है। और जो बाकी का जो टाइम पीरियड है वो टाइम ड्यूरेशन किस फेज के अंदर होता है, दैट इज नोन इज मीटोटिक फेज, नॉट ए माइटोटिक फेज। मीटोटिक फेज, इस फेज को अपन बोलते हैं एम फेज। ये इसको फेज को अपन बोलते हैं डिविजनल फेज। इसको बोला जाता है ग्रोथ फेज, रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को ग्रोथ फेज और रेस्टिंग फेज भी अपन बोलते हैं। बट रेस्टिंग का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि सेल यहाँ पर रेस्ट कर रही है। मोस्ट ऑफ द जो सेल्स का जो भी मेनली फंक्शन है, जो भी वर्क है, वो इंटरफेज के अंदर करती है। यहाँ पर माइटोटिक फेज के अंदर तो सेल डिवाइड करती है ओनली, क्या करती है, ओनली सेल्स का डिवीजन होता है। यहाँ पर इंटरफेज के अंदर ही सेल ये डिसाइड करती है हमें डिवीजन करना है, यानी कि सारे जो फंक्शन अपन पढ़ेंगे आगे इंटरफेज डिटेल से, तो सारे जो फंक्शन है वहाँ पर इंटरफेज के अंदर होते हैं। तो इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलना एक तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेस्टिंग का मतलब इनएक्टिवेशन नहीं है। रेस्टिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं कर रही है। रेस्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं कर रही है, यहाँ पर इनएक्टिवेशन नहीं है, ठीक है। तो इंटरफेज को भी आगे तीन सब फेजेज के अंदर डिवाइड किया गया है, जी वन और जी टू। जीवन स्टेज हाईली वेरिएबल स्टेज हो जाए, ये जो जीवन स्टेज है ना ये हाईली वेरिएबल स्टेज होती है, ठीक है। और जीवन स्टेज सबसे लंबी स्टेज है। इंटरफेज की सबसे जो लंबी स्टेज है वो जीवन स्टेज है, जो कि हाईली वेरिएबल स्टेज होती है, ठीक। उसके बाद आती है मीटोटिक फेज।
मिटोटिक, ध्यान रखना साथियों, मिटोटिक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मिटोटिक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन यहाँ पर आगे अपन देखेंगे, अभी मिटोटिक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर मिटोटिक फेज या एम फेज के अंदर क्या क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कार्य का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस में डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ओनली फॉर न्यूक्लियस डिवीजन, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। सेकंड इज साइटोकाइनेसिस, सेकंड इज साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर दो स्टेप होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज मिटोसिस, फर्स्ट इज मिटोसिस, सेकंड इज मियोसिस। मिटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, 2n तो 2n, n तो n, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं रहता है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, आधे हो जाते हैं। कहाँ पर, मियोसिस के अंदर, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं। माइटोसिस को अगेन फर्दर सब फेज के अंदर डिवाइड किया गया है, तो कौन कौन सी फेजेज है, वो फेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, दिस इज ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट वह है प्रोफेज, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, प्रोफेज। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, मैं जो यहाँ पर लिखवा रहा हूँ वो इसी के अंदर आपको लिखना है, आपको पी लिखना है प्रोफेज की जगह, पूरा कंप्लीट प्रोफेज नहीं लिखना है, क्योंकि आप सेल डिविजन के जब एंड तक पहुँचोगे तो आप इन वर्डों से हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज लिखो, और जैसे मैं करवा रहा हूँ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन का फर्स्ट वीडियो, अपन पूरा एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहे हैं, और आपको कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर ही चलना है, ठीक है। मियोसिस, मियोसिस के अंदर दो स्टेप होते हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। यहाँ पर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ध्यान रखना साथियों, ये मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है वो पांच भागों के अंदर सब फर्दर डिवाइड की गई है, कौन कौन सी, लैप्टोटीन, जाइकोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, कौन कौन सी है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पर डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस को आप लिख लो, ये पूरों को लिख लो, आप लिखो मत इसको, इसको लिख लो, डिप्लोटीन, और इसको बोलते हैं डाइकाइनेसिस। इसी सीक्वेंस के अंदर याद रखना है आपको, इसी सीक्वेंस के अंदर याद रखना है आपको, यदि याद नहीं रहे तो एल जेड पी डी स्क्वायर, एल जेड पी डी स्क्वायर, इस सीक्वेंस से आप याद और रख सकते हो, इसको आप पुराना मेट से याद रख सकते हो, ठीक है। पुराना मेट, पी प्रोफेज, पुराना एम ए टी मेट, ठीक, इसको आप एल जेड पी डी स्क्वायर से आप याद रख सकते हो, ठीक। अब ये हुआ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, इतना हमें कैरियोकाइनेसिस के अंदर पढ़ना है।
अब साइटोकाइनेसिस के अंदर हमें क्या पढ़ना है, साइटोकाइनेसिस का हमें अंदर ओनली दो मेथड है। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, सेल फेरो मेथड और दूसरा होता है सेल प्लेट मेथड। सेल फेरो मेथड किसके अंदर होता है, एनिमल सेल्स के अंदर, और सेल प्लेट मेथड किसके अंदर होता है, प्लांट सेल्स के अंदर होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। तो ये पूरा एक ब्रीफ रिव्यू था, सेल डिवीजन का एक क्लासिफिकेशन था, इसका अपन सॉफ्ट रिव्यू, ये सारी चीज़ें अपन को सेल डिवीजन के अंदर पढ़ने को मिलेगी। इसका पूरा का सॉफ्ट रिव्यू अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर देंगे, उसके बाद एक एक चीज़ को यहाँ से इंटरफेस से उठाएंगे और यहाँ आप साइटोकाइनेसिस तक जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर इसके बीच बीच में बहुत सारी इंटरेस्टेड बातें आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जब चलेंगे तो खूब सारे इंटरेस्टेड बातें आएगी जिनको हमें ध्यान में रखना है और उनको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सेल डिवीज़न का ब्रीफ रिव्यू है, सेल डिवीज़न का फर्स्ट वीडियो है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक, कमेंट और लाइक हमें प्रोवाइड करें। धन्यवाद।